अरशद जी, हम आपसे कोई आपकी हिंदी एल्बम आने वाली है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। वो किस लिए है, कैसी है, सबके लिए या एक समाज के लिए है? जी अच्छा सर, आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा है कि सबके लिए है किसी एक समाज के लिए है? क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ एक समाज के लिए गाता हूँ? नहीं सर, ऐसा है कई बार देखा जाता है कि सुना है कि मुसलमान है जो अपनी समाज के लिए ज़्यादा मतलब कुछ जी कर पाते हैं, और गायक हो या कोई मंत्री हो, कोई भी हो, अपनी समाज के लिए ज़्यादा बचते हैं। जी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली लोगों का एक भ्रम है। अच्छा, क्योंकि दोनों समाजों में ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो दोनों समाजों में होते हैं। कुछ हिंदुओं में होते हैं, जैसे RSS वाले और ये संघ वाले, ये ज़्यादा इतना भी करते हैं। इसी तरह कुछ मुसलमानों में भी होते हैं। बाकी मेरा जो काम है कलाकार, मेरे लिए 36 बरादरी एक समान है। मैं जो हिंदी एल्बम लेकर आ रहा हूँ वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं समाज का इंटरटेनमेंट कराऊंगा, और उससे पहले मैं बहुत सारी गजलें और कवाली ज़्यादा गाता था, लेकिन अभी मेरे जो ऑडियंस की डिमांड है कि आप कोई हिंदी गाना जल्द से लॉन्च करें, तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत जल्दी एक हिंदी एल्बम लॉन्च करना होगा। सर, इसी जनवरी में आपकी एक गज़ल आई है जो शहीदे के ऊपर है। जी हाँ, वो किस लिए गाई है? देखो सर, ये तो जाहिर सी बात है, मैंने किस लिए गाई, मैंने इसलिए गाई क्योंकि वो जितने भी हमारे जो शहीद फौजी हैं, क्योंकि आजकल जैसे नेता लोग हैं और बहुत सारे जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, मतलब वो उनको भूल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गायक के साथ, गायक की हैसियत से मैंने ये सोचा था कि भाई जब ऊपर वाले ने मुझे आवाज़ दी, टैलेंट दिया है, तो मैं हर किसी का आवाज़ बुलंद करता हूँ। देश का सर्वोच्च नागरिक मैं समझता हूँ कि भारत के जितने भी सैनिक हैं, चाहे किसी भी BSF के हो, आर्मी के हो, या फिर CRPF के हो, और जितने भी मतलब हमारी जो फोर्स है इंडिया की, उन सभी सैनिकों की याद में, चाहे वो आज़ादी से पहले की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन मैं उन सबकी याद में, यानी कि उनके दिल में क्या सदा होती है, एक सैनिक जब बॉर्डर पर होता है और गोलियों की बौछार जब होती है युद्ध के दौरान, तो उनके दिल में क्या सदा जाती है, उस सदा को सुनाने के लिए मैंने जनता के लिए और फौजी भाइयों की याद में यह गज़ल लिखी। सर ऐसा है, देखो आपने फौजी भाई जो शहीद हो गए हैं वो तो गज़ल सुनने से रहे, लेकिन समाज और उनके जो परिवारजन हैं उनके लिए क्या संदेश लेकर आया ये गज़ल? सर ये गज़ल उनको ये संदेश देती है, उनको एक तो जो अपने शहीदों को भूल जाते हैं जो लोग, ठीक है, इस गज़ल को सुनने के बाद उनको अपने शहीदों की, अपने बेटों की, अपने जो भी उनके परिवार से जुड़े वतन के बंदे थे उनकी याद ताजा हो, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे सैनिक जिंदा है उनके अंदर एक उनका मनोबल, उनका हौसला बढ़ाएगा, वो सोचेंगे कि जब हमारे जो शहीद हुए अपने देश, तो हम भी अपने देश के लिए शहीद हो सकते हैं और अपने देश की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, एक हौसला उनका बढ़ाएगा। दूसरा, जो हमारे नए जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेसमैन बनूं या फिर इंजीनियर बनूं या टीचर्स बनूं, तो उनके दिल में भी एक सदा जागेगी कि यार हम भी काश सेना में भर्ती होकर अपने देश की सुरक्षा कर सकें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने वतन के लिए अपनी जान तक दे देंगे। सर गायक के अलावा आप और कुछ भी करना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ, मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है, और सिंगिंग के साथ साथ मैं समाज सेवा करता हूँ। जैसे आपने समाज सेवा की बात अभी कही है, क्या आप राजनीति में भी आना चाहते हो? नहीं बिल्कुल, मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, बल्कि राजनेताओं के लिए मैं इस गायकी के माध्यम से सबक जरूर सिखाना चाहता हूँ। जो लोग गरीबों से वोट लेते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मैं आवाज़ ज़रूर बुलंद करता हूँ। सर हमने सुना है आप राजनीतिक को छोड़कर जी सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, उसका क्या तात्पर्य है? सर सामाजिक संगठन से मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि सामाजिक संगठन जो होते हैं वो समाज के हित में काम करते हैं, न कि वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इसलिए जहाँ मुझे सामाजिक संस्था बुलाती है, मेरा मान सम्मान वो करती है, मैं वहाँ जाता हूँ, इतना मेरा जुड़ाव है उन लोगों से। थैंक यू सर, शुक्रिया सर।